शीला दीक्षित के तर्कों से कतई सहमति नहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर आम आदमी पार्टी AAP और कांग्रेस का गठबंधन भले हो या नहीं, लेकिन इसे लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित के तर्कों से कतई सहमति नहीं रखते। AICC की ओर से तो शीला की उस रायशुमारी पर भी अंगुली उठाई जा रही है जो वे गठबंधन को लेकर अपने निवास पर दिल्ली के नेताओं से कर रही हैं। साथ ही AICC जिला कार्यकर्ता सम्मेलन की भीड़ को भी चुनाव जीतने की क्षमता नहीं मान रही है। गौरतलब है कि AICC के निर्देश पर शीला ने लगातार 2 दिन अपने घर पर दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं को बुलाकर उनसे गठबंधन पर राय मांगी थी, जिसमें सभी ने यह कहते हुए गठबंधन नहीं करने की राय दी कि दिल्ली में कांग्रेस का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है जबकि आपकी लोकप्रियता घट रही है। विभिन्न जिला कार्यकर्ता सम्मेलनों में उमड़ रही भीड़ का उदाहरण भी दिया जा रहा है। वहीं AICC सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस कहां खड़ी है, इसकी जमीनी हकीकत ब्लॉक और बूथ स्तर पर बेहतर ढंग से पता चल सकती है, न कि उन नेताओं से जो कि खुद चुनावी टिकट के दावेदार हों। लेकिन शीला ने गठबंधन को लेकर रायशुमारी में न तो 14 में से एक भी जिला अध्यक्ष को शामिल किया है और न ही 280 ब्लॉक अध्यक्षों को। AICC तो शीला के नेतृत्व में लड़े गए पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए भी इस पहलू को एक महत्वपूर्ण कारक मान रही है कि तब भी प्रदेश इकाई बूथ और ब्लॉक स्तर पर कहीं नहीं थी, जबकि आम आदमी पार्टी और भाजपा का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर भी मतदाताओं तक हमेशा पहुंचता रहा है। AICC सूत्र बताते हैं कि प्रदेश कांग्रेस को लग रहा है कि जिला कार्यकर्ता सम्मेलनों में उमड़ रही भीड़ उनकी संभावित जीत का पर्याय है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। किसी कार्यक्रम की भीड़ मतदाताओं में तब्दील होने का प्रमाण नहीं होती। इस तरह की भीड़ स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी इम्प्रेशन होती है। AICC का यह भी कहना है कि मोदी विरोधी पार्टियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन देश भर के लिए बनाई गई केंद्रीय नीति का हिस्सा है। यह केवल दिल्ली के लिए नहीं है, गठबंधन भी सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। विधानसभा चुनाव अपने दम पर ही लड़ा जाएगा। PC चाको प्रभारी दिल्ली एवं महासचिव AICC ने बताया कि चुनावी गठबंधन को लेकर बहुत सारे पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली में भी यह होगा या नहीं और कब तक होगा कह पाना मुश्किल है। कांग्रेस इस दिशा में अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रही है।